पाली साहित्य सम्मेलन नागपुर 17-18 मार्च 2018 स्थल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑडिटोरियम दीक्षाभूमि नागपुर। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ संजीवनी ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता प्रतिष्ठान का और विशेष रूप से हमारे मान्यवर तथा प्रिय मित्रवर्य अमन जी कामले आवाज़ इंडिया के संचालक का। प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले मैंने इन दो गाथाओं का पठन प्रारंभ में इसलिए किया कि शायद ये गाथाएं बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पसंद करते थे। ये गाथाएं बुद्ध और उनका धम्म इस महानतम ग्रंथ में ली गई है, परंतु इनका अंतर्भाव स्वयं लेखक ने किया था या बाद में किसी ने इनको इस ग्रंथ में उद्धृत किया ये नहीं बता सकते। बौद्ध साहित्य में इस प्रकार का परिवर्तन बहुत हुआ है, होता रहा है। इस प्रकार का उत्परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, करने का कारण है कि बुद्ध और धम्म के मूल रूप को, असल तत्व को क्षति पहुंचाना। इस प्रकार की क्षति करने का उत्तम माध्यम होता है भाषा, साहित्य एवं लोक संकेत। इस निमित्त में हम भाषा का विचार करने वाले हैं। इस क्षण का चर्चा का विषय है मेरा पाली का भाषा विज्ञान और समाज। मैं पाली भाषा का विशेष छात्र अथवा अभ्यासक नहीं हूँ, परंतु अब तक के निरीक्षण के साथ जो बातें मुझे पता चली है उनको आपके सामने रखने का ये विनम्रतापूर्वक मेरा प्रयास है। बौद्ध धम्म का बहुतांश साहित्य पाली भाषा में उपलब्ध है, कुछ संस्कृत में भी है। संस्कृत बौद्ध साहित्य पाली से अनुवादित हुआ है और अनुवादित साहित्य में परिवर्तन स्वाभाविक होता है, परंतु चूंकि तथागत बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया अतः इस हेतु पाली भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। पाली लोक भाषा होने के कारण ये किस प्रकार और कौन से काल में उत्क्रांत हुई ये स्पष्ट रूप से बताना कठिन है। पाली संस्कृत से पहले या बाद में यह सिद्ध करना भी सहज संभव नहीं लगता। संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी कहने का प्रघात है वो पूर्णतः असत्य है, मिथ्या है। यदि भारतीय भाषाओं के द्रविड़ और भारोपीय इंडो यूरोपियन ये दो स्पष्ट कुल अगर है तो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम कुर्ग तुलु जैसे प्राचीन द्रविड़ कुल की भाषाओं की जननी इंडो यूरोपियन यानी कि भारोपीय मूल की संस्कृत कैसे हो सकती है। उत्तर भारत में संस्कृत जो है सबसे पहले जो बोली भाषाएं प्रचलन में थी संस्कृत के पहले, उन भाषाओं या बोलियों से पाली अर्धमागधी शौर सेनी आदि प्राकृत भाषाएं मेल खाती है, यह बात सिद्ध हो चुकी है। बताया जाता है कि 19वीं सदी से पूर्व समय पाली साहित्य में या अन्य भाषाओं के साहित्य में पाली नाम का कोई शब्द किसी भाषा के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। 19वीं सदी के पश्चात जिसको पाली कहा जाने लगा उसको मागधी, मगधी अथवा अर्धमागधी कहा जाता था। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने पाली शब्द की उपपत्ति कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है जो ऐसा है। पहला है पाली, यानी कि कुछ लोग कहते हैं पाली अथवा पारी, अर्थात पर्व, चरण, टप्पा, जिसे अंग्रेजी में इनिंग कहा जा सकता है। परंतु भाषा के संदर्भ में पर्व, चरण जैसे शब्द संदर्भ जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरी उपपत्ति बताई जाती है कि ऐसी लोकभाषा जो लोगों द्वारा संभाली गई, लोगों द्वारा जतन हुआ, जो भाषा लोगों द्वारा पाली गई वो पाली भाषा। इन दो तथ्यों में से कौन सा सत्य माने यह संभ्रम होता है, कारण जिस प्रकार पैशाची नाम की, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, जिस प्रकार पैशाची नाम की एक भाषा जिसका मूल अभिधान पैशाची नहीं है, वह अज्ञात भाषा जो अब नहीं रही, जो कभी अतीत में थी, जो अब मृत हो गई है, जो अब भूतकाल में चली गई है, भूत बन गई है अर्थात हो गई है, कहते कहते भूत भाषा और आगे चलकर पिशाच भाषा अर्थात
पैशाची उसको कहा जाने लगा। उसी प्रकार पाली कही जाने वाली धम्मदेशना की भाषा का मूल नाम क्या होगा, इसका संशोधन होना आवश्यक है। वस्तुतः उपजित्वा निरुज्झंती का नियम भाषा को भी लागू होता है। इस तर्क से किसी भाषा का नामकरण भूत भाषा पिशाच भाषा होना गलत है, अयोग्य है। पाली भाषा मूलतः मगधी थी ऐसा माना जाता है। सिंहली लोग पाली को मागधी कहते हैं। पाली का मूल नाम कोई भी हो, परंतु आज जिसे पाली कहा जाता है वह पूर्णतः लोकतांत्रिक भाषा है। आई मीन टू से दैट पाली इज ए डेमोक्रेटिक लैंग्वेज। आई वुड लाइक टू एनालाइज इट विद द फर्दर सम चांसेस। सो पाली इज ए डेमोक्रेटिक लैंग्वेज। पाली को लोकतांत्रिक भाषा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये लोगों ने निर्माण की हुई, लोगों द्वारा लोगों के लिए पालन की गई भाषा है। पाली किसी समूह विशेष ने न किस पर थोपी, ना ही किसी समूह विशेष ने इसे प्रयोग किया। पाली सीखने के लिए किसी पाठशाला की आवश्यकता नहीं थी, जन्म से ही पाली का अभ्यास प्रारंभ हो जाता था। संस्कृत में ऐसा नहीं था। संस्कृत सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा कभी न बन पाई। संस्कृत का केवल ग्रंथों में तथा एक समूह में दम घुटता रहा है। दूसरी तरफ पाली न कोई प्रमाण भाषा है, न कोई साची बोली है। पाली अपने स्वतंत्र विशेषताओं से चलती है। इस भाषा में और बोली में दो गुण हैं। इसे बोली कह सकते क्योंकि इसकी निर्मिति सामान्य लोगों में हुई और स्वीकार की गई। यह सामान्य लोगों में उत्क्रांत हुई और सामान्य जनों की सभ्यता, संस्कृति, प्रथा परंपरा, संवेदना आदि का अधिष्ठान लेकर विकसित हुई है। पाली शब्द का पहला व्यापक प्रयोग आचार्य बुद्धघोष की अट्ठ कथाओं और विशुद्धि मग्ग में मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि पाली तथागत बुद्ध से लगभग 3000 वर्ष पहले उत्क्रांत हुई, वहाँ से शायद वो मौखिक परंपरा में थी। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी गाथाओं के रूप में ईसा पूर्व 400 में पाली लिपिबद्ध की गई। पाली प्रायः धर्म से, विशेषता बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इसमें पाए जाने वाली विशेष संज्ञाएं पूर्णतः अलग है। बौद्ध धर्म में ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं हैं जो केवल पाली में व्यक्त होती है। पाली में इन संज्ञाओं का अर्थ वैज्ञानिक और सत्यता तथा तर्क पर आधारित होता है, परंतु यही संज्ञाएं संस्कृत में बौद्ध धर्म का विश्लेषण करेंगी तो अनर्थ निकलता है। उदाहरण स्वरूप मैं देना चाहूँगा, धर्म जिसको पाली में धम्म कहते हैं, निर्वाण निब्बाण, मोक्ष मोक्ष, पुण्य पुण्य, पुनर्जन्म आर्य देव आदि जो शब्द है वो कहीं और लेके जाते हैं अन्य संस्कृति में। उपर्युक्त सभी संज्ञाएं पाली में बहुत उच्च अर्थ बताती है, परंतु संस्कृत में इसका अर्थ पाली अथवा बौद्ध धर्म का अभ्यास करने वालों के और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मन में घातक संभ्रम निर्माण करता है, करती है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म की अनेक बातों में मिश्रण किया गया है, उसी प्रकार पाली के शब्दशास्त्र, व्याकरण आदि में भी मिश्रण हुआ है। वे प्रदूषित किए गए हैं या उनमें उत्परिवर्तन किया गया है, जैसे कि दोज आर आइदर कंटामिनेटेड और दोज आर म्यूटेटेड इन दिस सेंस। पाली के तत्कालीन शिरोकेंद्र, नालंदा, तक्षशिला उद्वस्त कर के जो ग्रंथ जलाए गए थे उनमें उद्धृत गाथाएं, साहित्य उसी वक्त नष्ट हो गया। इस लुप्त बौद्ध साहित्य को पुनर्जीवित करने हेतु संस्कृत बौद्ध साहित्य की सहायता ली गई। अनुवाद प्रक्रिया में बौद्ध तत्व का असली सार जाता रहा, जो जैसा बचा उसको स्वीकार करना पड़ा। इस भौतिक हानि के पश्चात पाली ने कई तात्विक हानियां झेली। पाली में अंतर्धान, प्रकट होना, पुनर्जन्म, पाप, स्वर्ग, देव यह संज्ञाएं नहीं थी। संस्कृत अनुवाद ने ये पाप किया है। तथागत बुद्ध की बहुत सारी बातें हिंदू शास्त्रों ने ली है। दोज आर बरोड फ्रॉम द फिलोसॉफी एंड द टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म बाय हिंदुइज्म। कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, वो पर्याप्त है। जैसे कि सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। इसको तथागत की गाथा इसलिए है क्योंकि संस्कृत शास्त्रों में सर्व सुख की बात नहीं हो सकती। इसको पाली में इस तरह से प्रस्तुत किया गया है, सभ्य सत्ता सुखी हुंतु, सभ्य हुंतु च खेमिनो, सभ्य भद्दानी पसंतु, मा कंची दुख मागमा। ये इसका मूल रूप है जो बाद में संस्कृत में मैंने जो अभी बताया इस तरह से लिया गया है।
दूसरा है विपदि धैर्यम अतः अभ्युदय क्षमा सदशि वाक्पटुता युधि विक्रमः। ये बात कृष्णोपदेश जो है वो नहीं हो सकती। ये मूल स्वरूप तथागत ने जेतवन में शिष्यों के साथ जो बात की गई है एक उसका विस्तृत गाथा का स्वरूप है जो परिपूर्ण व्यक्ति का वर्णन करती है। नहीं वेरान वेरानी ये तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को आदेश और उपदेश जो है संस्कृत में अलग अलग संदर्भ में पाया जाता है। धर्म शब्द पाली में धम्म बना परंतु धर्म पूर्णतः अलग और धम्म पूर्णतः भिन्न परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जाता है ये हम जानते हैं। धर्म में कर्मकांड होता है, धम्म विज्ञान तर्क संवेदना अनुभव के बिना कुछ नहीं मानता। धम्म में ईश्वर को स्थान नहीं है, ईश्वर के स्थान पर सदाचार होता है ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्पष्ट करते हैं। पाली भाषा में केवल तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम शब्द नहीं होते। वस्तुतः किसी भी प्राकृत भाषा में तत्सम शब्द बहुत अल्प पाए जाते हैं। पाली पर संस्कृत का प्रभाव अवश्य है परंतु पाली ने भाषा विज्ञान के आधार पर और विविध विकास क्रम में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा है। उत्क्रांति के बाद पाली के साथ साथ अन्य प्राकृत भाषाएँ दीर्घकाल तक शुद्ध स्वरूप में रही। शुद्धता का ये काल बौद्ध धर्म के सुवर्ण युग को समांतर रहा होगा परंतु पाली के इस सुवर्ण तथा अपने प्रभाव के युग ने समकालीन भाषाओं या बोलियों पर कोई बात थोपी नहीं। किंबहुना पाली ने अन्य भाषाओं बोलियों को यथारूप स्वीकार किया है। इतना ही नहीं किंतु प्रादेशिक बोलियों को साथ लेकर प्रादेशिक पाली निर्माण करने हेतु पाली ने स्वयं में अच्छा परिवर्तन किया और स्वयं भी समृद्ध बनी। इसी कारण विविध प्रदेशों में पाली का विशिष्ट रूप पाया जाता है साहित्य में या शिलालेखों में। इस उत्क्रांति में पाली ने दो बातें बनाए रखी, एक तो ये कि इसने स्थानीय बोली का सम्मान किया, उस कारण स्थानीय लोग पाली से जुड़े और पाली का भी सम्मान किया। परंतु ये करते समय पाली ने जो दूसरी बात की है वो यह है कि पाली ने अपनी शुद्धता खोने नहीं दी, अपनी पवित्रता अखंड रखने के साथ साथ बौद्ध धर्म का असली मूल स्वरूप विज्ञानाधिष्ठित मानवाभिमुख वैश्विक ऐहिक संदेश सर्वदूर पाली पहुंचाती रही। इस प्रयत्न में पाली अपना भारतीयत्व विशाल रूप में और बड़े पैमाने पर बनाए रखने में यशस्वी रही है। जिस प्रकार संस्कृत ने कई विदेशी शब्द लोगों पर थोपे जो उनको कभी परिचित नहीं थे, ये शब्द परिकल्पनाएं सामान्य जनों को निरुपयोगी थी, पाली ने ऐसा कभी नहीं किया। संस्कृत और पाली की तुलनात्मक चर्चा जब होती है तो उनके जन्म संबंधी एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से पूछा जाता है कि पहले पाली या पहले संस्कृत। जिस भारतीय भाषा समूह से उपज हुआ है उस समूह की विशेषताएं संस्कृत ने संभाल के रखी है। उपसर्ग और प्रत्यय भले भिन्न उच्चार के हो परंतु उनका मूल धर्म इंडो यूरोपियन मतलब के भारतीय भाषा समूह का है। पाली के अभ्यास में ळ का जो उच्चारण होता है वो विशेष करना आवश्यक है। पाली साहित्य में ळ का उच्चार सर्वदूर पाया जाता है। ऋग्वेदकालीन संस्कृत में ळ का प्रयोग है, पाणिनीय और उसके पश्चात की संस्कृत में ळ अदृश्य होता दिखाई देता है। यहाँ एक बात स्पष्ट करनी होगी कि ळ का उच्चारण सर्वथा द्राविड़ी है। द्राविड़ी भाषा का गुणधर्म ही ळ से जांचा जा सकता है। तमिल तेलुगु कन्नड ओडिया मलयालम मराठी कोंकणी कोडुगु तुलु इन तटीय द्राविड़ी भाषाओं में ळ का उच्चारण आज भी सहजता से किया जाता है। गुजराती राजस्थानी पंजाबी आदि संस्कृत प्रभृत भाषाएं भी ळ का उच्चारण करती है। कुछ उत्तरी भाषाओं में ळ का स्थान र ने लिया है, उसी प्रकार पाली में प्रारंभ से सांप्रत पर्यंत ळ की गाथाएं पाई जाती है। कुछ इस तरह से है, ये सुपयुत्ता मनसा दल्ढ़ेन निक्कामिन गौतम शासनम ही ते खीण बीजा अविरली छंदा। आड़वक नाम के एक भिक्खु को तथागत ने उपदेश किया है पास जाकर के। मिनिंद पन्न पाली इस ग्रंथ में उसके नाम में ळ का उच्चारण पाया जाता है और तथागत श्रावस्ती के पास जहाँ रुकते थे उसे वेणुवन कहा जाता था। इसका मतलब यह है कि ळ जो उच्चार है पाली में बहुत स्पष्टता से और विशेषता से पाया जाता है। उपरोक्त उत्तर भारतीय भाषाओं में ळ का महत्व स्पष्ट करता है कि या तो पाली ने इस प्रदेश की सारी भाषाओं से मैत्री करके लेन देन की है
या इन भाषाओं के प्रदेश में कभी पाली प्रवहन से बोली जाती थी। प्रवाह की दिशा चाहे कुछ कोई भी हो, परंतु इससे ये निश्चित होने में सहायता मिलती है कि उत्तर भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से नहीं परंतु पाली जैसी परिवर्तनशील, लचीली, लोकाभिमुख तथा लोकोपयुक्त भाषा से उत्क्रांत हुई है। पाली उच्चार सुलभता को सर्वाधिक महत्व देती है। युमानों की उच्चार सुलभता ही पाली का मूल सूत्र है, जिसके आधार पर वो दीर्घ समय तक लोगों के जिह्वा तथा मन पर टिकी रही। पाली श्रम प्रधान समाज का संवाद माध्यम था। श्रमकारी का अधिक ध्यान जो है वो श्रम पर होता है, उच्चारण पर नहीं होता, ये वैश्विक मान्यता है। इसलिए श्रमिकों की पाली भाषा ने उच्चार विशिष्टता से अधिक उच्चार सुलभता को, उच्चार विशिष्टता से अधिक उच्चार सुलभता से जो सहज से उच्चार कर सकते हैं, इस तरह का उसको अधिक महत्व देकर बहुसंख्यकों के मन जिह्वा से पाली ने मैत्री बनाए रखी है। मित्रों, मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संस्कृत ने, मैं संस्कृत के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो थोपी है, थोपे हैं, इस तरह से हुकूमत जताने वाले, लेकिन पाली के बारे में मैंने कहा कि मैत्री बनाए रखी, ये थोड़ा सा अधोरेखित करना चाहता हूँ। भारतीय भाषाओं में विशेषता संस्कृत में द्वित्व के गुणधर्म वाले अक्षर बहुत है, भिन्न है। उदाहरणार्थ वृक्क संस्कृत में पाया जाता है, प्रदत्त, उच्च, वित्त, वृत्त आदि। परंतु द्राविड भाषाओं में पाए जाने वाले द्वित्व के गुणधर्म वाले अक्षर संस्कृत के भारतीय भाषा मूलाधार तथा गुणधर्म से मेल नहीं खाते। ये गुणधर्म जलोपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जलवायु ताप की स्थिति पर निर्भर करता है, ये अलग चिंतन का विषय है। उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जैसे ग्रीक भाषा में ग्लॉटिस GLOTTIS का उच्चारण द्वित्व से नहीं किया जाता है, उसको ग्लॉटिस सिंगल ट से ही उच्चारण उसका किया जाता है। चंद्रगुप्त शब्द का पाली में चंद्रगुप्त और उस आधार पर ग्रीक भाषा में सैंड्राकोटस बनता है। चंद्रगुप्त को ग्रीक भाषा में सैंड्राकोटस कहते हैं, वहाँ उसका द्वित्व चला जाता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृत कठोर व्यंजनों में द्वित्व न होने का प्रमाण मिलता है, वे द्राविड़ी भाषा समूह में पाया जाता है, जैसे कि पट्टनम यानी कि शहर, पट्टी यानी कि टैक्स या कर, भट्टी, मल्ल आदि जो द्वित्व वाले शब्द संस्कृत में द्राविड़ी भाषाओं से आए हैं, पाली में उच्चार सुलभता के कारण द्वित्व स्वाभाविकता बन गया है, जैसे कि भग्ग, सुत्त, पत्ती, पंग्या, मच्छू, सच्चंग, भद्दीय, वग्ग, सत्ता आदि। लेकिन शुंड, कुंडी, मुंड, पुंड्र आदि जो द्राविड़ी संस्कृत शब्द जो है, द्राविड़ी शब्द जो है संस्कृत ने लिए है, संस्कृत हैज बरोड दीज आइटम्स फ्रॉम द दीज टर्म्स और वर्ड्स फ्रॉम द्राविडियन फैमिली प्रोनंसिएशन विद देयर ओरिजिनल वन। उनके उच्चारण से पता चलता है कि वे अक्षर जो है मूल संस्कृत के नहीं है, वो संस्कृत ने आयदर उसको बरो किया है या फिर छीने हैं, ना कि शेयर किए हैं। पाली भाषा में आत्मनेपद और मेरे पहले जो सत्र हुआ उसमें ये मुद्दा आया है कि आत्मनेपद और परस्मय पद नहीं होते हैं पाली में, इनकी आवश्यकता क्या है कि इसका उत्तर संस्कृत तज्ञ जो है वो नहीं दे सकते। पाली में गच्छामि जैसा ही वंदामि कहा जाता है, परंतु संस्कृत में वंदामि नहीं होता, संस्कृत में वंदे आत्मनेपदी गुणधर्म के साथ कहना पड़ता है। वंद धातु जो है आत्मनेपद से चलता है। दोनों शब्द सकर्मक क्रिया वाले अगर है तो उनमें एक आत्मने और दूसरा जो है परस्मय क्यों होना चाहिए, उसका उत्तर नहीं मिलता है। अगर होना चाहिए तो प्रथम पुरुष एक वचन में अगर होमी संस्कृत में कहते हैं तो भवामी क्यों साथ ही साथ संस्कृत में कहा जाता है, होमी भी कहते हैं, भवामी ऐसा भी कहते हैं, लेकिन पाली में ये नहीं होता है। पाली में सिर्फ होमी यानी कि परस्मय पद के साथ ये व्याकरण इस शब्द का चलता है, भवामी के साथ नहीं चलता, जो तार्किक आधार पर प्रमाण सिद्ध होता है पाली में। इस प्रकार अगर प्रादेशिकता से विचार करें तो भारत भूमि पर पाली पहले से पनप रही थी और संस्कृत का उद्भव इस भूमि पर अंतराल से हुआ यह सिद्ध होता है। ये तथ्य सिद्ध करने का हेतु विजय या पराजय मित्रों नहीं है, क्योंकि विजय अथवा पराजय दोनों अनित्य है और तथागत बुद्ध किसी भी अनित्य में उलझने से सचेत करते हैं हम सभी को।
बंधु भगनियों, मैं जानता हूँ कि ये स्थान पाली साहित्य पर विचार मंथन करने का है, लेकिन यहाँ एक और मुद्दा रखने की अनुमति आप सबसे चाहूँगा, जो सांप्रत में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। बौद्ध विचार के लोग विशेषतः महाराष्ट्र में एक शब्द को लेकर विवाद में और भ्रम में फंसे हैं। वह शब्द है व्यासपीठ। अमन जी, ये मैं थोड़ा महत्वपूर्ण यहाँ रखना चाहता हूँ, व्यासपीठ जो है शब्द किस कार्यक्रम में प्रयोग ना करें, क्योंकि व्यास हिंदू था आदि हास्यास्पद आधार के। ये कोई मानता है कि व्यासपीठ ये शब्द यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ओके। तो मैं जो ये रखना चाहता हूँ उस आधार पर आप विचार उस पर हो सकता है। व्यासपीठ किसी कार्यक्रम में प्रयोग ना करें क्योंकि व्यास हिंदू था आदि आधार इसके लिए दे जाते हैं। मेरी बुद्धि की मर्यादा में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर व्यास नाम की कोई व्यक्ति थी तो वो आदिवासी कोली समाज से थी, ऐसा संस्कृत साहित्य ही बताता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यास नाम के किसी व्यक्ति का व्यासपीठ संज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। दुख की बात यह है कि बड़े बड़े विद्वान इस बात में उलझ गए हैं, व्यासपीठ की अपेक्षा विचारपीठ, धम्मपीठ, बुद्धपीठ कहने का कारण आग्रह किया जाता है। इस संबंध में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, समय ऊर्जा सुसंबंध जो है मैत्री जो है यहाँ पर नष्ट होती है। मैं इसको बताना चाहूँगा, माननीय मित्रों बताना चाहता हूँ कि व्यासपीठ शब्द संस्कृत से आया है, उसका मूल धातु आस। थोड़ा ध्यान देकर इसको अगर हम जान ले तो अच्छा रहेगा। इसका मूल धातु है आस अथवा आसन। इस धातु को संकेत रखना, इस धातु का जो संदर्भ है उसका मतलब है रखना या फिर बैठना, आस या आसन धातु का। इस धातु को विविध उपसर्ग जोड़ने के पश्चात अलग अलग अर्थपूर्ण शब्द या फिर संज्ञाएं बनती है, जैसे कि अभी उपसर्ग लगाकर आस अगर हम जोड़े तो उसको अभ्यास कहेंगे, अभी आस, वो बैठकर या फिर स्थानबद्ध होकर के अभ्यास किया जाता है। दूसरा उपसर्ग है अधि, अधिक आस, अधि आस, अध्यास, अध्यासन, जो विश्वविद्यालयों में विशिष्ट चर्चा हेतु बैठकर के किया जाता है। संग उपसर्ग और उसके आगे आस, संन्यास, जो विश्व त्याग करके बैठते हैं संन्यास, उसको वो उपसर्ग आस के साथ लगा करके। जो उपसर्ग प्रति है उसको अधिक आस लगा करके प्रत्यास, मतलब के विमुख होकर के बैठना अथवा कुछ अपेक्षा में बैठे रहना, प्रत्याशी जिसको हम कहते हैं, प्रति आस, आस लगा करके बैठता है प्रत्याशी, प्रति आस। उसके बाद उपसर्ग है प्र, उसके अधिक आस, प्र आस, प्रयास, एफर्ट्स करते रहना बैठक में। उसके बाद नी उपसर्ग लगा करके आस अगर हम जोड़े तो नी आस, न्यास, जो संस्कृत का शब्द बनता है उसका मतलब होता है रखना, न्यास। हम जैसे शिलान्यास वगैरह पत्थर रखने की जो प्रक्रिया होती है न्यास। प्रयास, परि उपसर्ग और अधिक उसको आस, प्रयास, प्रयास यानी कि वृत्त बना करके, जैसे हम किसी चर्चा के लिए बैठते वृत्त बना करके बैठना या फिर परिषद के जैसा बैठना। और मैंने वी उपसर्ग इसलिए थोड़ा अंतिम रखा है कि ये पता चले, वी उपसर्ग अधिक आस, बैठना, विशेष रूप से बैठना, वी आस, वी आस, वी आस, वी आस, व्यास जो है व्यास नाम के कोई व्यक्ति का यहाँ लेना देना नहीं है। तो ये उपसर्ग वी और आस जो धातु मैंने संस्कृत से बताया है वो व्यास जो है विशेष हेतु से बैठना या फिर विशेष रूप से बैठना। या आप मानते हैं तो मैं ये आप मानते हैं कि नहीं जो मैंने ये रखने की कोशिश की? हम ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, मैंने कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आठवां वी नाम का जो उपसर्ग दिया है, आठ उपसर्गों के साथ आस को स्पष्ट करने की इसीलिए मैंने ये बड़ा प्रयत्न किया कि हम गलत बातों में ज़्यादा उलझते हैं, जो काम की बातें रह जाती है वो बहुत पीछे चल जाती है। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैंने जहाँ तक ये धम्म का रथ जो है ला करके खड़ा किया है, अब अगर आप कर सकते हैं आगे तो कीजिए, अगर नहीं हो सकता जहाँ है वहाँ उसको रहने दीजिए, लेकिन उसको पीछे ना करें। तो हम वो लोग वही कर रहे हैं ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझ करके, जैसे कि ये व्यासपीठ एक और शब्द है। इस व्यास को पीठ बाद में अर्थात उच्च स्थान शब्द जोड़ा गया और तब बना व्यासपीठ। इस
को कृपया जान लें और आगे चलकर के इसी संबंध में विवाह का अगर रोकने का प्रयत्न हो सके तो हम करेंगे, क्योंकि अविद्या पच्चया संखारा और उसके उल्टा भी अविद्या निरोधा संकार निरोधो। मैं इसको अविद्या मानता हूँ कि व्यास क्या शब्द है वो नहीं मानकर हम उसको उसके ऊपर झगड़ने को शुरू हो रहे हैं। एक अंतिम मुद्दा रख करके मैं यहाँ संपन्न करूँगा, वो विषय अत्यंत नम्रता से क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में विवाह विधि में भीम स्मरण और भीम स्मृति स्तुति पठन करने का एक रिवाज है। भीम स्मरण और भीम स्मृति स्तुति जो है उसका निरीक्षण करें तो ये दोनों भीम स्तुति और भीम स्मरण बौद्ध तत्व में विसंगत पाई जाती है, ऐसा मेरा निरीक्षण है। एक दो मिनट में इसको खत्म करता हूँ और आपसा आपका भीम स्तुति में एक थोड़ा नजर के दृष्टि के सामने लाइए कि भीम स्तुति हम क्या क्या उसमें पढ़ते हैं। सकलंग विज्ञं, बाबा साहब को सकल विद्या नहीं थी, विपुलम विज्ञं कह सकते हैं कि बाबा साहब खुद कहते हैं कि अगर दुनिया में विश्व में अगर सागर इतनी विद्या है तो मुझे एक बूंद जितनी मिली है, तो वो उन्हीं का जो वाक्य है वो झूठा सिद्ध करने के लिए ये सकलम विज्ञं हम अपनी स्तुति में कहते हैं, वो मुझे वो झूठ लगता है, गलत लगता है। हम उन वहाँ पर सकलम विज्ञं देव रूपं कहते हैं, तो देव रूप है कि नहीं बाबा साहब वो हमको जाँचना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। उनके स्थान पर विपुल विज्ञं या फिर भव्य रूपण अगर उसको हम कहेंगे तो वो बेहतर रहेगा। भीम स्मरण से अधिक भीम स्तुति आक्षेपार्ह शब्दों में भरी है, ये मराठी में है। किसने लिखी कब लिखी ज्ञात नहीं है, परंतु लिखने का उद्देश्य संभ्रम निर्माण करता है साथियों। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस आधुनिक बोधिसत्व को दिव्य प्रभु रत्न तू कहा गया है। बाबा साहब प्रभु नहीं हो सकते, वो हमारे मार्गदाता है। तथागत बुद्ध भी प्रभु नहीं थे, प्रभु का मतलब मालिक होता है, ओनर होता है। बाबा साहब किसी के ओनर नहीं थे, ना ही बनना चाहते थे। तथागत बुद्ध किसी को ओन नहीं करते थे, किसी पर मालिकी नहीं थोपना चाहते हैं। किसी महान मानव को इस तरह से देवत्व देकर के उनका अधपतन प्रारंभ होता है। दूसरा शब्द इसमें साधु वरदान है, अंधविश्वास है कि बाबा साहब का जन्म किसी साधु के वरदान से हुआ, वे केवल स्वजन में के उद्धार में रत हुआ करते थे, दूसरों का उद्धार नहीं किया। संविधान कैसे स्वजन के लिए लिखी है बाबा साहब ने, ये मानते हैं कि नहीं मानते है? स्वजन हम वहां पढ़ते हैं दिव्य प्रभु रत्न तु साधु वरदान तु आद्य कुल भूषण तु भीम राजा सकल विद्यापति ज्ञान तत्संगति शास्त्र शासनमति बुद्धि तेजा वगैरह वगैरह। तो उसमें हम अंधविश्वास फैला रहे हैं ऐसा मैं मानता हूँ। भीम स्मरण में संविधान बाबा साहब ने देश के लिए लिखे, केवल अपने लोगों के लिए नहीं लिखा है दोस्तों। आगे चलकर के बाबा साहब को भगवंत कह दिया है, भगवंत आमचा खरा भक्त काजा, तू भगवंत है हम भक्त हैं। जबकि बाबा साहब कहते कि मुझे भक्त नहीं चाहिए, भक्त अंधे होते हैं, मुझे अनुयायी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि अनुयायी इसलिए चाहिए कि भक्त अंधे होते हैं, अनुयायी विश्लेषक होते हैं, अनुयायी चिकित्सक होते हैं, भक्त अपने नेता को भगवान बनाकर खेत डुबो देते हैं, अनुयायी अपने नेता के विचारों पर चिंतन संशोधन विश्लेषण करके अनुमान आधार लेकर के केवल जीवित रखते हैं, बल्कि नेता का व्यक्तित्व निरंतर विशालतर करने में दिन रात मेहनत लेते हैं। एक पंक्ति में बोधिसत्व बाबा साहब के रौद्र रूप को भी यहां पर देखा गया है। दिस इज वॉट कॉल्ड एज ब्लैक कॉमेडी, राइट फ्रॉम जहां से ये लिखा गया है वहां तक आज भी हम माइक लेकर के चलो भाई भीम स्मरण भीम स्तुति, और आज हम इस हॉल में अगर हंस रहे तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक कॉमेडी, गलत है लेकिन उस पर हंसा जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये सर्वथा अनुचित है क्योंकि आगे चलकर ये रौद्र रूप रुद्र अर्थात हनुमान बनेगा, फिर बाबा साहब हनुमान का अवतार बनने का भय है, हनुमान के अवतार थे भाई बाबा साहब, क्यों तुम्हारे भीमस्मरण ने लिखा है कि रौद्र रूपा एटसेट्रा। हम सोचेंगे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम धोखा नहीं खाते, परंतु हमारे आंखों के सामने होता है, पठन होता है, हम उसको मुख सहमति देते हैं, कोई आक्षेप नहीं लेते, स्वीकार कर लेते हैं। ये बातें शायद बारीक लगेंगी परंतु सूक्ष्म परमाणु ही विस्फोट के करके विश्व उद्वस्त करने की क्षमता रखता है।
वो हो ना हो, बाबा साहब ने जो धम्मोत्थान का कार्य चिरकाल तक चला रहे, समस्त मानव जाति का कल्याण उससे हो, उसके लिए ये भूमि साक्षी रहे, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, चिरंग तिष्ठतु सद्धम्मो भवतु सब मंगलं, मेदिनीठतु सखीगे, मेदिनीठतु सखीगे। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी, देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।